नमस्कार दोस्तों, दुनिया भर में दिवाली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बहुत ही जश्न और उल्लास के साथ यह त्यौहार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इतिहास में रामचंद्र जी जब रावण का वध करके अपने घर वापसी लौटे थे तो पूरे अयोध्या शहर को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट किया गया था इस दिन को। तो वही आज हम बात करते हैं दिवाली से एक दिन पहले की, जिसका नाम है धनतेरस। यानी इस दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा भी की जाती है। इसके साथ साथ लोग अपने घर में बर्तन या चांदी या सोने से रिलेटेड कोई भी वस्तु खरीद के लाते हैं। ऐसे ही आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कुबेर, भगवान कुबेर माने जाने वाले, जो धन संपत्ति के माने जाते हैं भगवान कुबेर, उनसे रिलेटेड उनकी एक मूर्ति है जिनकी पूरे साल भर में सिर्फ धनतेरस के दिन पूजा की जाती है। ईसा पूर्वी शताब्दी की यह मूर्ति 12 फीट ऊंची है, जो बैस नदी से खुदाई के दौरान मिली थी। धन की कमी ना हो विदेशी मुद्रा के कारण, इसलिए भगवान कुबेर की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इस मूर्ति को लेकर संग्रहालय में धनतेरस के दिन पूजा होती है भगवान कुबेर की। बता दें कि इस मूर्ति की जो स्थापित है वो संग्रहालय के मुख्य द्वार पर स्थापना है। दूर दूर से लोग भगवान कुबेर की इस मूर्ति के दर्शन के लिए आते हैं। पूरे हिंदुस्तान में भगवान कुबेर की केवल 4 ही मूर्तियां हैं जो संग्रहालयों में स्थित हैं, और यह सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है क्योंकि यह 12 फीट ऊंची है और दूर दराज से लोग इसकी दर्शन करने आते हैं। धनतेरस के दिन ही इसकी खास पूजा की जाती है। संग्रहालय के अंतर्गत ही लोगों के साथ मिलजुल के फूलों से अभिषेक होता है। काफ़ी सारी रीति रिवाजों के साथ इनकी पूजा की जाती है। और अन्य ऐसी रोमांचक जानकारी देखने के लिए देखते रहिए देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।